छोड़ दो, खेलने दो खेलने दो। ओए होए 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 होए, आ गया भाई आ गया, मस्ती में आ गया। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ओए होए होए होए। अच्छा जी, एक ये भी छोटी सी न्यू एंट्री हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई इस वक्त हम AQ कैटल फार्म पे मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद है भाई माशाल्लाह सोशल मीडिया के दो बहुत ही चमकते दमकते सितारे। एक हमारे राइट साइड पे खड़े हैं जीरक फरीदी, कैटल प्रोडक्शन, ठीक है, और लेफ्ट पर मेरा दोस्त वजाहत, मंडी क्रेज डॉट पी के, ठीक है। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं वजाहत भाई? मेरा एक शिकवा रहेगा इनसे, ये बहुत देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ये कहना चाहिए, सही टाइम पे, सही टाइम पे आए माशाल्लाह। तो बहरहाल आप लोगों से छोटा मोटा लो कबा बिरयानी खा रहे भाई। भाई हम अपने लिए लाए, तुम्हारे लिए नहीं लाए। नहीं वो रायता निकाला, बस रायता ही बंद है, प्लेट ढक दो। चलो भाई, समोसे बिरयानी सिक्योर हो गए। अब आप लोगों से बेसिकली वजाहत और जीरक रिव्यू लेना है। आप लोग फार्म आए हो माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक फार्म जाते हो, तो कैसा लगा कलेक्शन सेटअप, कैसा लगा सफाई सुथराई वगैरह, कोई भी किसी भी हवाले से आपका रिव्यू, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ देखी हो वो थोड़ा सा रिव्यू देना। ये तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, थोड़ा जोर से बोलना चाहेंगे, मैं सबसे पहले माइक ये ना यार, अभी जो माशाल्लाह अभी आपको फार्म खुले हैं कल से डेढ़ महीना भी नहीं हुआ, और जो शुरू में वीडियो देखी थी ना, और जो अब आ रही लाइव देखा है, बहुत स्पीड बोलते हैं ना जिसको, तेजी एट वो माशाल्लाह VIP कलेक्शन जो बोलूँ ना, जो दिल खुश होने वाला, जो बड़े बड़े फार्म पे हम जाते हैं माशाल्लाह देखते हैं, जैसे शुरू में जो बछड़े खड़े हैं ये बड़े मतलब लास्ट के बछड़े हैं यार, जज़ाकअल्लाह, होता है ना दिल खुश होने वाला कलेक्शन जी जी। एट वो, और एट जो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, इतनी जल्दी माशाल्लाह सारे खाते फुल हो गए, ये लोगों ने जो भरोसा किया है, ये बड़ी चीज़ लोगों की मोहब्बत है। तो जीरक आपसे मैं रिव्यू लेना चाहूँगा, सेटअप आपको कैसा लगा? ये मुझे माशाल्लाह सेटअप उस वेल आपका बहुत अच्छा है जी, मतलब जिस जगह पे आपका जो आपका एनवायरनमेंट है फार्म का बहुत माशाल्लाह अच्छा, मतलब मैं बैठा हुआ था काफ़ी टाइम से बैठा हूँ जी जी, तो मतलब एक सुकून पुरसकून माहौल है, कोई मतलब वो नहीं है। फिर जो कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मतलब हर कटेरी का माल मुझे दिखा जी जी, मतलब हर कलर हर प्रिंट हर कटेरी माशाल्लाह रखी है। भाई ये कोशिश बेसिकली मेरी भी यही है कि कलेक्शन ऐसी जमा करूँ कि नस्ल में भी जो हमारी फेमस नस्ल हैं, जितनी भी जैसे साहिवाल का भी कुछ हो जाए, कुछ चुलिस्तानी भी हो जाए, कुछ हल्का फुल्का ब्राह्मण में भी हो जाए, कुछ मेल में भी हो जाए, तो और कलर्स में भी मेरी कोशिश यही है कि एक एक कलर जो है ना वो हर प्रिंट का एक एक जानवर एटलीस्ट कोई भी कस्टमर आए उसको हर चीज़ अवेलेबल बिल्कुल। तो बस यही है, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से खुशी हुई। और आपका कब शुरू हो रहा है कैटल प्रोडक्शन? मेरा बस इंशाल्लाह लोगों की दुआ है। और मैं एक बात यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा कि जो है ना जीरक फरीदी का जो है ना वो कैटल प्रोडक्शन के नाम से इनका वीडियोग्राफी का काम है जानवरों की, और इनको भी मेरे ख्याल से साल डेढ़ साल हुआ है इस उसमें इंडस्ट्री में आए हुए, लेकिन जिस तेज़ी से माशाल्लाह इस बंदे ने प्रोग्रेस करी है देख के दिल खुश होता है इसका काम। और जो मैं हर बंदे की ना एक स्पेशलिटी होती है, तो मैं जीरक की जो मैं मुझे स्पेशलिटी लगती है ना वो है इसकी क्रिएटिविटी, ठीक है। जो इसके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, आप इसकी कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे ना तो आपको उसमें एक नया आइडिया नज़र आएगा, सही है। कोई वीडियो का एक हर वीडियो का एक सेम पैटर्न होता है ना, वो नहीं नज़र आएगा उसमें, कुछ ना कुछ जो है ना वो चेंजेस, तो आइडियाज लाते कहाँ से हो? बात वही है कि ये मेरा कोई प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है बिल्कुल, ये बस एक मेरा एक शौक है। तो उस शौक में जब मैं चीज़ें कर, मैं मतलब बेसिकली मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो एक तरह ग्रो हुआ हूँ अभी 1-2 साल जी हुए जी। तो वही बात है, जब मैं काम करता है तो सोचता रहता हूँ, तो अल्लाह पाक मदद कर दे, वही है कि बिल्कुल इंसान मेहनत करता है तो बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी इस काम में बहुत ज़रूरी है। आप जब मुस्तकिल काम करते रहते हैं ना तो फिर आपको ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आप में बिल्ड होती रहती है, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अल्लाह पाक आप दोनों की उसमें बरकत दे। अब जो है ना कबाब फिर से आ गया है, ज़रा चल के बिरयानी फोड़ते हैं, सही है, नहीं तो कबाब फोड़ देगा हमारी बिरयानी, ठीक है। तो चलो भाई बाकी बात बाद में करते हैं, अभी बहुत सारी अपडेट्स देनी है। आज हमने फ़ोटोशूट भी किया है, जो बड़ा वाला बछड़ा जिस उसका नाम जो है मैंने फ़खरे AQ रखा था, तो वाइट वाला बछड़ा,
वो बछड़ा उसका फोटो शूट किया है आज हमने, और क्यों किया है उसका फोटो शूट वो फिर बाद में बताएंगे। और फोटो शूट कैटल मार्केट कराची और AQ कैटल एंड गोट फार्म के पेज के ऊपर लॉन्च हो जाएगा, दोनों पेजेस के ऊपर, तो आप देखिएगा। बाकी आपको थोड़ी अपडेट्स और देते हैं, पहले थोड़ा खापा कर लें उसके बाद अपडेट्स देते हैं आगे। अच्छा जी, बछड़ा आ गया है आज, 10th of September है, ठीक है, संडे का दिन है, और माशाल्लाह न्यू एंट्री हो रही है, पांडा बछड़ा है। और ये बछड़ा जो है वो आमिर भाई को दे दिया है, और इंशाल्लाह अब ये पलाई पर है, तो ये अवेलेबल नहीं है फॉर सेल। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चलो 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 भाई आ जाओ चलें, अभी तो मगरिब होने वाली है, आपको फिर इंशाल्लाह कल वाला बछड़ा दिखाएंगे तरीके से। चलें जी, बछड़ा आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, पहली बात आपको बताता चलूं, ये बछड़ा वैसे न्यू एंट्री था, इसका नाम मैंने मकाऊ रखा है, ठीक है, जो मकाऊ तोता होता है ना, उस तरीके का इसका मैंने नाम रखा है। और ये अभी दो दांत हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, और यूँ समझे पक्का खीरा समझे इसको। और जो है ना, ये अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। लेकिन एक बात आप लोगों को आज गैस करनी है, आज जो अभी आपको जानवर दिखा रहा हूँ ना, इनमें से एक जानवर जो है ना वो मैंने सेल कर दिया है, वो दो चार दिन में चला जाएगा, तो वो आप लोगों ने गैस करना है कि वो कौन सा जानवर होगा, सही है। तो आज आपको, और वैसे आज आपको जो है ना, वो जो नया बछड़ा आया था अपना, उसका नाम मैंने फखरे AQ रखा था, वो बछड़ा भी आज आपको दिखाएंगे, रिवील करेंगे, जिसका मैंने कहा था कि मैं जो है ना वो नहीं दिखाऊंगा वो। तो अच्छे नाफे झालर के अंदर अबलग बछड़ा है, माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ज़रा एक बार दोबारा लेकर आऊँ, नाम याद रखिएगा बछड़े का, नाम मैंने मकाऊ रखा है, फुल मस्तियों वाला मकाऊ। माशाल्लाह माशाल्लाह, फेस ब्यूटी देखें यार, खूबसूरत फेस है, पांडा फेस। ठीक है जी, मेरा नंबर अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको इसके प्राइस मालूम करने हो तो वो स्क्रीनशॉट लेके ये नाम मुझे मैसेज करके मकाऊ का, तो वो प्राइस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ले जाओ भाई ले जाओ, आज ज़्यादा जानवर दिखाऊंगा आपको आज इंशाल्लाह, वीडियो में मज़ा आएगा। वंस अगेन आपने गैस करना है कि इनमें से एक सेल वाला भी है जो सोल्ड हो चुका है, तो वो भी आपने गैस करना है वो कौन सा जानवर है। अच्छा जी, मिक्की माउस दोबारा दिखा रहा हूँ आपको फॉर सेल की कलेक्शन के अंदर। ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गेना बिचोला है, और अल्लाह आपका भला करे, गोल्डन कॉपर जैसा इसका कलर है, और उसमें ब्लैक मिक्स है, और पांडा फेस है, और हल्का सा पंछी टाइप का फेस है, बहुत खूबसूरत, और छोटे छोटे से कान है, तो बिल्कुल जो मिक्की माउस का जिस तरह का वो है ना, उसी वजह से मैंने इसका नाम मिक्की माउस रखा है। चलाओ ज़रा चलाओ चलाओ, और नीचे चारों पाँवों पर मोज़ा है, वाइट मोज़ा है नीचे, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ज़रा मस्ती कराओ बच्चे को, माशाल्लाह, छोड़ दो, हाँ खेलने दो, फुल मस्ती करने दो, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। AQ कैटल फार्म का मिक्की माउस, माशाल्लाह। ओए, आ गया भाई, आ गया मस्ती में, आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। रस्सी छोड़ दो इसकी ना, मैं बताऊं, रस्सी छोड़ दे रस्सी, करने दे। ओए माशाल्लाह, भागा गवाला भाग गया डर के। सही है, ले जाओ भाई ले जाओ, बछड़े ने अपना काम दिखा दिया है माशाल्लाह। मैंने बेसिकली मस्ती ही दिखाना चाह रहा था, मैं गेना और अगर मस्ती वाला ना हो ना तो मज़ा नहीं आता, फुल गोल मटोल अंडा बन जाएगा ये इंशाल्लाह। ठीक है भैया, ले जाओ अगला लेकर आओ। अच्छा, ये भी भाई न्यू एंट्री है, ये भी पांडे के साथ ही आया है, तो ज़रा सही से खड़ा कराओ बच्चे को, बहुत ही आउट क्लास बच्चा है ये, 2025 के लिए ये चौथा, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा पांडा है। एक शाने AQ हो गया पांडा, एक वो ब्लैक एंड वाइट वाला आमिर भाई वाला पांडा हो गया। चेहरा मेरी तरफ कराओ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या लुक्स दे रहा है बच्चा, भूरी नाक में लाल नुकरे के अंदर, और भूरी पलकें आ रही हैं, वाइट पलकें आ रही हैं, पांडा फेस में, चारों पांवों पे मोज़ा है, 2025 का बच्चा है, बहुत अच्छा इंशाल्लाह ये पल जाएगा 2025 तक ना, तो अच्छे नाफे जालर में ये बच्चा भी
अवेलेबल है। ठीक है भैया, इसको ज़रा रस्सी छोड़ के थोड़ा सा इसकी भी मस्तियाँ दिखा दो। रस्सी छोड़ दो ज़रा, हाँ रस्सी छोड़ो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ठीक है भैया, इसको भी ले जाओ। वाइट दोम पीछे, लाल और वाइट, बहुत प्यारा बच्चा यार। और ये भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप स्क्रीनशॉट सेंड करके इसकी प्राइस मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, ले जाओ, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। माशाल्लाह जी, ओए होए, फुल मस्ती हो रही है। चलो भाई पकड़ लिया। अच्छा ये बछड़ा जो है ना, ये न्यू एंट्री है, ये अवेलेबल नहीं है फॉर सेल, ये आमिर भाई का बछड़ा है। ठीक है, और ये जो है ना, ये भी न्यू एंट्री है, परसों आया था बछड़ा, तो मैंने बोला आपको वैसे ही एक बछड़ा भी दिखा दूँ। पांडा ब्यूटी के अंदर एक और एडिशन हो गया, गुलाबी पांडा माशाल्लाह। एक तो अपना वो शाने क्यों वो बैठा हुआ, सही है, एक पांडा ये था अपना, एक दूसरा पांडा एक ये भी आ गया अल्लाह पाक के करम से, और एक तीसरा छोटा पांडा भी है, वो भी इंशाल्लाह भी आपको दिखाता हूँ। चलो भाई ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ, मस्तियाँ देखें भाई। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, आउट क्लास भाई, आउट क्लास, बहुत ही आला। चाहिए इसको, ले जाओ, अगला लेकर आओ। अब ज़रा कुछ फॉर सेल का भी दिखाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल फुर्तीला है यार ये तो, फुल मस्ती वाला है, मस्ती वाला माशाल्लाह। अच्छा जी, शहजादी साहिबा बहुत फुदक रही हैं, इनको भी ज़रा देख लें एक नज़र। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए भाई। दो दांत में है बछड़ी, कदावर बछड़ी है, और वाइट पलकें, गुलाबी नाक, पांडा सा फेस, नाफे झालर में भरपूर माशाल्लाह। और ये बछड़ी भी अवेलेबल है, ज़रा मस्तियाँ करा दो थोड़ी सी और। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वज़न में जो है ना, गोश में 4.5 मंथ से प्लस पक्की है, कन्फर्म 4.5 मंथ से प्लस है, 5 मंथ को टच करेगी, गोश्त की बात कर रहा हूँ, मीट वेट की। माशाल्लाह सही है। अच्छा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, जो भी आपको पसंद आए ना जानवर, आप उसका नाम या स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसका रेट पूछ लीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आउट क्लास ब्यूटी है भाई। चाहिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अच्छा जी, बटरफ्लाई को काफ़ी दिनों से नहीं निकलवाया था, तो मैंने बोला यार बटरफ्लाई को भी आज दिखा दें। और ये मैं बताऊं कि ये कोई अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, ये शफी भाई की बछड़ी है और कुर्बानी के लिए है, पलाई पर है। लेकिन मैं बोला यार काफ़ी टाइम हो गया बटरफ्लाई को दिखाए हुए, तो ज़रा एक नज़र बटरफ्लाई को भी आपको आज दिखा दें। लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, चेहरा इधर, माशाल्लाह। ठीक है, बटरफ्लाई को भी ले जाओ, 7 मिनट की स्टोरेज रहेगा ये असल में, तो उस हिसाब से देखना है। अच्छा नूर चश्म आ रही है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि नूर चश्म की ग्रोथ अच्छी चल रही है, तो मैंने इसलिए निकलवाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। और ख़ासकर जो पीछा है ना इसका, बैक बहुत अच्छी बना रही है ये कमर अपनी, तो मैंने बोला आप लोगों से मालूम करें भाई, आप लोगों ने काफ़ी दिन से नहीं देखी, हम तो डेली देख रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये थोड़ा अच्छी पल रही है माशाल्लाह, तो आपको ज़रा निकाल के दिखाएं, बाकी आप लोगों का रिव्यू लें कि आप लोगों का क्या रिव्यू, अच्छी लग रही है या हल्की जा रही है या क्या है क्या नहीं है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, डेली मक्खन चल रहा है भाई बछड़ी का। माशाल्लाह, चेहरा इधर कराओ, चेहरा इधर कराओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। तो काफ़ी टाइम ये अवेलेबल नहीं है भाई फॉर सेल, ये बता दूँ मैं पहले ही, ये पलाई पर है और हमारे अहनाफ भाई की है। ठीक है भैया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। माशाल्लाह 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 भाई, इसका नाम मैंने रखा है भाई फ़खरे AQ। ओए होए, बस इस बछड़े को देखते ही ना दिल से माशाल्लाह सुभानअल्लाह निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ही आला बहुत ही खूबसूरत। आप लोगों की डिमांड आ रही थी, मैंने बोला यार चलो आज जो है ना फ़खरे AQ को दिखाई देते हैं। क्या बात है जी, क्या ही बात है, अल्लाह पाक नज़र बच्चे बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेहरा इधर मेरी तरफ, रस्सी छोड़ दे बच्चे की, रस्सी गले में डाल दो, हाँ ऐसे, हाँ छोड़ दो छोड़ दो, हाँ बेहतरीन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इस पर माशाल्लाह का कमेंट मुझे चाहिए प्यारे भाइयों, लाजमी तौर पर ना।
माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं नहीं जाता, शरीफ है, शरीफ गाबोआ है, गरीब गाबोआ है, गरीब गाबोआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल मस्ती हो रही है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है ले जाओ और नेक्स्ट लेकर आओ, अगला लेकर आओ। अच्छा जी, एक ये भी छोटी सी न्यू एंट्री हुई है अभी, जब मेरी बेटी का टीके के लिए गया था ना बकरा लेने छोटा भाई, तो ये बकरी भी ले आया था, अभी ऐसी ला के छोड़ दी है फार्म पे। बहरहाल अब आप चलते हैं अगली बछड़ी की तरफ। तो भाई माशाल्लाह टाइगर बच्ची, अल्लाह पाक नजरे बच से बचाए, बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत, और ये चौथी पांडी ब्यूटी है हमारे फार्म की, लाल जो है वो नुकरी नाक है इसकी, ठीक है, और अल्लाह आपके भला करे, टाइगर प्रिंट पांडा फेस। लेकर आओ ज़रा लेकर आओ। अच्छा इस बच्ची का कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास इरादा नहीं है बेचने का, लेकिन फिर भी अवेलेबल चीज़ों में एक ये भी अवेलेबल है। ये बच्ची मैं बता दूँ बाकी जानवरों के मुकाबले में इसके पैसे भी ज़्यादा हैं क्योंकि ऊपर की चीज़ है। ठीक है इसको ले जाओ, अगली बछड़ी अगला जानवर लेकर आओ, इसको ले जाओ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भाइयों ये आपको एक बात बताऊं, मैं हमारे आमिर भाई हैं ना जिनके वो दो ब्राह्मण बच्चे हैं, ये उन्हीं की जो है ना, ये बच्ची भी उन्हीं की है और ये भी ब्राह्मण में है बच्ची माशाल्लाह। और ये बच्ची जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, सिर्फ 7 महीने की है इस वक्त, और आप इसकी टांगें देख लें, इसकी हाइट देख लें माशाल्लाह। और ये बच्ची भी आमिर भाई से मैंने पूछा था, उन्होंने बोला कोई अच्छे पैसे लगाएगा कोई कदर करेगा तो दे देंगे, वरना कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो मैं बोला अवेलेबल चीज़ें दिखा रहा हूँ तो उनमें आपको ये भी दिखा दूँ, सिर्फ 7 महीने की बच्ची है, 2025 में जाके 2 दांत होगी और अभी इतनी बड़ी बच्ची है। ठीक है ज़रा इसको ले जाओ मस्तियाँ कराते हुए, स्टोरेज कम है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा मैं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो देखो वो उनके बच्चे हैं आमिर भाई के, और ये बच्ची उन बच्चों से भी ज़्यादा लंबे कदम है माशाल्लाह। सही है जी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ओए होए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई मस्तानी आ रही है और सिर्फ 4 मिनट की मेरे पास स्टोरेज रह गई है, तो मस्तानी पर ही आज की वीडियो एंड करेंगे। गेनी माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर बच्चे बचा, गुलाबी गेनी बहुत ही खूबसूरत, AQ कैटल फार्म की मस्तानी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी अवेलेबल है फॉर सेल, ठीक है, ये अभी खीरी है, दांतों में नहीं हुई लेकिन इसी साल इंशाल्लाह 2 दांत हो जाएगी। सही है, छोड़ो इसको ज़रा मस्तियाँ दिखाओ इसकी मस्तानी की, शपाटर गेनी। बहरहाल आप लोगों ने गैस करके बताना है कि आज जो जानवर दिखा है उनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो सेल हो चुका है। तो एक तो पीछे वो जो तितली खड़ी है वो सेल हो चुकी है, मैं आपको बता दूँ मैंने निकलवाई इसीलिए नहीं, वो कल इंशाल्लाह हो सकता है कल परसों में लोड हो जाए। और एक जानवर और सेल हुआ है जो आज की वीडियोज़ में मैंने दिखाया है। तो बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।